जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया ब्रॉस का स्वागत है इस वीडियो में। एक बार आज फिर से बात करेंगे हम लोग टापारिया टूल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों के पास इस कंपनी के शेयर्स हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर तो लोगों के पास इस कंपनी के शेयर्स नहीं हैं और आप भी इस कंपनी के शेयर्स को बाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें लगातार जब से स्टॉक बढ़ना शुरू हुआ है किसी को याद भी नहीं होगा पिछली बार कब इसमें गिरावट देखने को मिला था। मैं तो जब से इस स्टॉक को फॉलो कर रहा हूँ मुझे इस स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ तेजी ही देखने को मिल रही है और ज़्यादातर ये स्टॉक अपर सर्किट में आपको चलते हुए दिखता है। सवाल है कि आप इसको कैसे बाई कर पाएंगे, हम लोग आगे इसके बारे में समझेंगे। आपने अक्सर सुना होगा जब भी किसी औजार की बात आती है, हैंड निर्मित जो औजार होते हैं जैसे रिंच हो गया, प्लास हो गया, पेचकस हो गया, तो लोग अक्सर कहते हैं कि टापारिया का ही ये जो है औजार खरीदना। गाँव में अक्सर आपने सुना होगा क्योंकि टापारिया टूल्स जो औजार बनाती है वो काफ़ी मतलब क्वालिटी बेस्ड क्वालिटी होती है वो उसमें, और एक प्रकार से आपको सस्ता भी पड़ जाता है, तो इसलिए टापारिया टूल्स के जो भी औजार होते हैं हैंड निर्मित, तो वो काफ़ी कमाल के होते हैं। तो ये जो कंपनी है बेसिकली टूल्स बनाती है, हैंड निर्मित टूल्स बनाती है, जैसे कि आप क्या फोटो में देख पा रहे होंगे। तो काम काफ़ी बेस्ट है कंपनी का और काम के बदौलत ही इस कंपनी को इसका पहचान मिला है टापारिया टूल्स का। काफ़ी फेमस कंपनी है क्योंकि ये जिस जो काम करती है ना, इस तरह के काम करने वाले और भी कंपनियाँ और भी जो कंपनियाँ हैं टूल्स बनाती हैं, लेकिन वो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो इस तरह की कारोबार करती है और शेयर मार्केट में लिस्टेड है, प्लस इसका नाम भी है और नाम होने की वजह से इसके शेयर प्राइस की इतनी और डिमांड रहती है। तो डिमांड ज़्यादा है और चूंकि स्टॉक्स लिमिटेड हैं तो लोगों को सप्लाई उतनी मिल नहीं पाती, बहुत से लोग इसको बाई करना चाहते हैं लेकिन जितने बाई ऑर्डर्स डेली इसमें डाले जाते हैं उतना उतना बहुत कम ऑर्डर्स लोगों को मिल पाते हैं, यानी सेल करने वाले जो हैं बहुत कम है और बाई करने वाले ज़्यादा है। आगे हम लोग इसको समझेंगे। बीएस इंडिया की वेबसाइट पर जो आप देखते हैं टापारिया टूल्स लिमिटेड कंपनी को, तो यहाँ पर आप देखेंगे आज भी तकरीबन इसमें 5% के आसपास तेजी देखने को मिली है। हालांकि ये तेजी कुछ दिनों से देखने को मिली, लेकिन शेयर प्राइस में उतना मोमेंट होता नहीं है तेजी, चूंकि सात यहाँ पर जब आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो आपको 7 मार्च से ही इसमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखेगा और ये जो तेजी है 7 मार्च के दिन की है, और जब जब इसमें अपर सर्किट लगता है तो ये एक नया 52 वीक का रिकॉर्ड आपको बनाता है। अगला जो अपर सर्किट लगेगा जब प्राइस इसका 3.83 रुपये पर पहुंचेगा, वहाँ पे अपर सर्किट इसमें लगने के फिर चांस रहेंगे। हालांकि अभी अपर सर्किट में है लेकिन प्राइस में कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे सबसे कमाल की चीज़ मैं आपको दिखाऊं तो ये मार्केट ड्रिफ्ट में जब हम आते हैं, मार्केट ड्रिफ्ट में पता लगता है कितना बाई एंड सेल ऑर्डर इसमें डला हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये रहा बाई ऑर्डर, लोग इस कंपनी के इतने इतने क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं। एक व्यक्ति है या ऐसा कह सकते हैं कोई ये फर्म होगा, इतने हीवी क्वांटिटी तो सामान्यतः कोई रिटेल व्यक्ति नहीं बाई करते। 99,22,502 क्वांटिटी कोई व्यक्ति बाई करना चाह रहा है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई फर्म होगा जो मार्केट प्राइस से भी ज़्यादा प्राइस पर इस कंपनी के शेयर्स को बाई करना चाहता है 3.88 रुपये पे। हालांकि जितने भी ऑर्डर्स यहाँ पर लगे हुए, जो लोग या जो कोई भी फिर इस कंपनी के शेयर्स को बाई करना चाह रहा है तो वो मार्केट प्राइस से कम ज़्यादा प्राइस पर इस कंपनी के शेयर्स को बाई करना चाह रहा है। आप देख सकते हैं मार्केट में अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस कितना चल रहा है, यहाँ पे देखेंगे 3.70 रुपये के आसपास इस कंपनी का शेयर प्राइस भी मार्केट में चल रहा है, और लोग कितने में इस कंपनी के शेयर्स को बाई करना चाह रहे हैं, लोग यहाँ पे 3.88 रुपये, 3.87 रुपये, 3.90 रुपये तक जब मार्केट ओपन रहता है। तो देखिएगा ये जो मार्केट डिप्ट होता है इसमें जब ऑर्डर लगे हुए होते हैं तो 3.90 रुपये तक लोग इस कंपनी के शेयर्स को बाई करना चाहते हैं। लोग चाह रहे हैं कि इस कंपनी के शेयर्स भले ही उनको ज़्यादा प्राइस में मिल जाए लेकिन बस किसी भी तरीके से उनको शेयर्स मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स हैं नहीं तो कोई शेयर्स बेचना नहीं चाहता, और कोई बेचना इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि ये कंपनी जितना शेयर प्राइस उसे कई गुना ज़्यादा, तो कंपनी सिर्फ आपको डिविडेंड देती है और डिविडेंड साल भर में कई बार दे देती है, तो इस वजह से लोग इस कंपनी के जिसके पास शेयर्स हैं बेचना नहीं चाहते हैं। और जो ऐसा नहीं कि नहीं, कुछ लोग बेचते भी हैं और बेचते हैं तभी यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी हम लोग मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आए हैं, यहाँ पर वॉल्यूम एनालिसिस में देखेंगे तो कल की ही बात करें तकरीबन 500 शेयर्स का कारोबार हुआ है। पिछले एक सप्ताह में भी देखेंगे तो 500 शेयर्स का कारोबार यहाँ पे होते हुए दिखा, यानी कि 500 शेयर्स की खरीद फरोख्त की गई है पिछले कुछ दिनों में, ये बात डाटा से निकलकर सामने आता है। तो ऐसा नहीं है कि बाई सेल नहीं हो रहा है, बाई सेल इसमें अभी भी हो रहा है, लोग शेयर्स को बेच रहे हैं, हालांकि जितने बाई करने वाले हैं उतनी क्वांटिटी नहीं बेची जा रही है सेलर्स के द्वारा, सेलर्स के द्वारा बहुत कम शेयर्स बेचे जा रहे हैं। फिर भी लोगों जो लोग चूंकि मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस पर कंपनी के शेयर्स को बाई करना चाह रहे तो उनको ये शेयर्स इजिली प्राप्त हो जाएगा। तो कुल जमा बात यह है कि यदि आप भी इस कंपनी के शेयर्स को बाई करना चाहते तो आप भी बाई ऑर्डर्स लगाइए, जितना भी क्वांटिटी बाई करना चाहें ये मैटर नहीं करता है। हालांकि क्योंकि यहाँ पे सेलर्स तो दिख ही नहीं रहेंगे कितना क्वांटिटी सेलर्स बेचना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऑर्डर्स लगा सकते हैं। हाँ ध्यान दीजिएगा मार्केट जो प्राइस आप उसमें डालिएगा, प्राइस थोड़ा ज़्यादा डालिएगा मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस पर, तो हो सकता है कि कोई भी सेलर यदि शेयर्स बेचेगा, मान लीजिए 10 क्वांटिटी भी कोई बेचता है तो पहले आपको मिलेगा क्योंकि आपने ज़्यादा प्राइस पर इस कंपनी के शेयर्स को बाई करने की कोशिश की है।
और बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि टपारिया टूल्स लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी का काम है प्लस जो कंपनी का ओवरऑल फंडामेंटल है काफी शानदार फंडामेंटल है। यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे तो आपको तकरीबन 30% के आसपास दिखेगा, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर इतना परसेंट रिटर्न निकालकर कंपनी देने का दमखम रखती है। स्टॉक पीई बहुत कम है, सामान्यतः पीने स्टॉक में पीई इतना कम नहीं होता है, पीई जितना कम उतना अच्छा माना जाता है, यानी कि ओवरऑल हर चीज बढ़िया है इस स्टॉक में, बस आप किसी भी तरीके से इस कंपनी का शेयर मिल जाए और किसी भी लेवल पर मिले, लोग तो मार्केट प्राइस से भी ज्यादा प्राइस में बाई करना चाह रहे हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो उम्मीद करता हूँ टपारिया टूल्स के बारे में छोटी सी जानकारी जो मैंने इस वीडियो में आपको दी है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो धन्यवाद।